क्या आप बता सकते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मौजूद हैं? क्या हमारा अंतरिक्ष एक शांत जगह है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारे ब्रह्मांड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोफाइल। हमारा ब्रह्मांड रहस्यमय जगहों में से एक है। हमें हमारे ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियों के बारे में जानने की हमेशा से जिज्ञासा रहती है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे रहस्यमय चीजें हैं जिस पर हमारे वैज्ञानिक अभी भी खोज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर वन। क्या हमारा अंतरिक्ष एक शांत जगह है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब यह है कि साउंड के पास ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जिसमें वो ट्रैवल कर सके और हमें सुनाई दे सके। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि स्पेस में रह रहे एस्ट्रोनॉट किस तरह धरती से बात करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोनॉट रेडियो वेव्स की मदद से हमसे बातचीत कर पाते हैं। रेडियो की तरंगे आसानी से भेजी और वापस सुनी जा सकती है। फैक्ट नंबर टू, क्या आप जानते हैं हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मौजूद हैं? वैसे ये थोड़ा मुश्किल है बता पाना कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे मौजूद हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की मदद से अभी तक 200 से 400 बिलियन तारे हमारे मिल्की वे में पाए गए हैं। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं जिसमें बिलियंस ऑफ तारे मौजूद होंगे। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि हमारे स्पेस का स्मेल कैसा होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेस में तो एयर है ही नहीं, तो स्मेल कैसे आएगी? और एस्ट्रोनॉट तो स्पेस सूट पहने होते हैं, तो उनको भी स्मेल कैसे आ सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस वॉक करके अपने एयरक्राफ्ट में वापस आ जाते हैं, तो उनके स्पेस सूट से जो स्मेल आती है, उससे स्पेस का स्मेल पता चलता है। एस्ट्रोनॉट ने बताया है कि हमारे स्पेस का स्मेल बिल्कुल डीजल फ्यूल और आग में पकाया गया मीट से जो स्मेल होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के जैसा स्मेल आता है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे एस्ट्रोनॉट को एक दिन में कितने बार सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है? तो हमारे एस्ट्रोनॉट को 15 टाइम्स सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट नंबर फाइव, हम में से अधिकतर लोगों ने कोई मिल गया मूवी ज़रूर देखी होगी। मुझे तो वो मूवी बहुत अच्छी लगती है और आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। उस मूवी में रोहित के डैड एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि एक दूसरी दुनिया के बारे में खोज कर रहे होते हैं और अपने कंप्यूटर के जरिए कई सारे सिग्नल्स भेजते हैं और फाइनली उनको एक सिग्नल रिसीव होता है। तो कुछ ऐसा ही 1977 में हमारे साइंटिस्ट को एक सिग्नल मिला था जो कि कहीं डीप स्पेस से आ रहा होता है। वो सिग्नल लगभग 72 सेकंड्स के लिए होता है। किसी को नहीं पता कि वो सिग्नल कहाँ से और कैसे आया था। ऐसे कई सारे फैसिनेटिंग चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में होती रहती है। हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने में। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।